हाँ भाई बोलिए। हेलो हाँ हाँ सर बोल बोलिए। हाँ जी, मैं वो 7 दिन वाला लोन के बारे में हाँ आपको सुना रिपेमेंट था नहीं जी। करना है, रिपेमेंट मत कीजिएगा, ठीक है? नहीं करना है नहीं, क्या हुआ था कि हाँ एक बोलिए। मिनट हाँ रुकेंगे। हाँ बोलिए। वही था कि मैंने एक दूसरा वाले से लोन लिया था, उसको पेमेंट करने के लिए दूसरा से फिर वही चक्कर चल रहा था, वही लूप में फंस गया था। तो उसके चक्कर में वही 7 दिन वाला ले लिया। एक मैं ट्राई कर रहा था, वहीं से अचानक दो जगह से आ गया, 3 हजार लेने के चक्कर में उन लोगों ने 7 हजार का लोन डाल दिया। तो एक मेरे पूरा वो मैसेज किया था व्हाट्सएप, पूरा कांटेक्ट लिस्ट मेरा फोटो करके मॉर्फ करके कुछ मैसेज कर देंगे, पूरे कांटेक्ट को भेज देंगे वाला मैसेज कर रहा था व्हाट्सएप। उसी चक्कर में एक का तो मैंने रिपेमेंट कर दिया, 3 हजार वाला, 4 हजार वाला भी, वो दूसरा दो जगह से था। तो एक का तो पे कर दिया, दूसरा का पूरा है। मैसेज किया था, 2 दिन गायब हुआ, फिर आज मैसेज करके पेमेंट करेगा नहीं करेगा सर, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है। तो क्या बोले आप? मैं कुछ रिप्लाई नहीं किया, अच्छा, तो देखिए वो मैंने कुछ पूरा नहीं करने रिप्लाई वाला है, आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात तो आपको रिपेमेंट नहीं करना है, कॉल मैसेज आता है आपको इग्नोर करना है 1 महीना, जी। आ उसके बाद आप स्टोरी लगा दीजिए कि मेरे फोन को किसी हैकर ने हैक कर लिया है, गलती से लिंक पर क्लिक हो गया था। तो हाँ यदि आप पर कोई गलत मैसेज आता है तो उसका रिस्पॉन्स आप लोग ना दे, बस 1 महीना इसे इग्नोर कीजिए। और ज्यादा फोन कॉल करता है सिम को निकाल कर रख दीजिए 20 से 25 दिन, उसके बाद देखिए फोन कॉल आना बंद हो जाएगा। अभी वो ऐप खोलने पर दिखा रहे हैं चार्जेस बढ़ा रहा है, तो दिन का 200 का वो रिचार्ज कितना भी बढ़ा रहा है उसको चार्जेस बढ़ा आपको रहा है। रिपेमेंट नहीं करना, फ्रॉड एप्लीकेशन है वो, जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन हट जाएगा प्ले स्टोर से, हट प्ले स्टेशन में चेक किया, हट गया ना प्ले गया है स्टेशन ना, में। वही तो बोले चार हाँ दिन का चांदनी बाद में अंधेरा हो जाएगा, तो इसीलिए वो सब फ्रॉड एप्लीकेशन है, आते रहेगा जाते रहेगा आते रहेगा जाते रहेगा। अब वो मेरा कॉन्टैक्ट को तो पूरा एक्सेस कर दिया है, ठीक है। तो देखिए, अब उसके पास मेरा कांटेक्ट है, हाँ अगर मैं 1 महीने तक उसको इग्नोर करूंगा तो उस 1 महीने के बाद हाँ वो डिलीट कर मेरे को देगा मैसेज पूरा करेगा। ना, 1 महीने बाद नहीं करेगा, उसके बाद सारा आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट डिलीट कर देगा, आपका भी नंबर आपका पीछा छोड़ देगा, रिप्लाई करते रहेगा तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप देखिए, आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है ना, आज के जनरेशन पर। देखिए, आप किसी लड़की के पीछे जाते हैं, ठीक है ना, यदि आपको भाव दे रही है, ये आप यदि इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं, मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं, तब तक उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, प्रयास में लगा हुआ है कि भाई हमारा काम बन जाएगा। जिस दिन से मतलब कि वो आपका मैसेज को ना सीन करे, यदि 24 24 घंटा पे सीन करे या 8-8 घंटा पे सीन करे, उसके बाद आपको लग जाएगा कि भाई हमारा अब कटने वाला है, ठीक है ना। हाँ आपको लगेगा, उसके बाद अपना मतलब कि अपने आप धीरे 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 पैर पीछे हटा लीजिएगा, भाई हटाओ ये सब, उसमें फंस जाएंगे तो उसके बाद हमारा दिल दुखेगा उसमें, फिर मतलब कि दिमाग खराब होगा उसमें, अपना काम पर फोकस किया जाए। उसके बाद आप मोटिवेशन वाला वीडियो देखना स्टार्ट कर देंगे उसके बाद। वो कांटेक्ट में कब से, मेरे कांटेक्ट में कब से वो करेगा? देखिए कांटेक्ट में तब करेगा यदि अभी तो आप पर फोन करेगा, ठीक है ना, आप मतलब कि देखिए 4 दिन फोन मतलब कि बंद कर दीजिएगा, उठाना बंद कर दीजिएगा, तो उसके बाद कांटेक्ट लिस्ट पर एक्सेस करता है सब, फोन करने का कोशिश करता है, वो करता है आप ही के घर पर, जैसे कि नाम आप रिस्पेक्टफुली सेव किए हैं पापा मम्मी ब्रदर सिस्टर के नाम से या किसी लड़की के नाम से, लड़की का नाम पहले उठाता है, जानता है कि लड़की डरपोक होती है ये सब, उसको जरा से हम डराएंगे तो डर जाएगी सब, ठीक है ना, उसका नंबर उठाएगा, उसके बाद उसको ब्लैकमेल करेगा, लड़की आपको बोलेगी कि हमारा नंबर क्यों दिए, तमाम तरह की बातें, आपस में लड़वा देगा सब, यही होता है।
हाँ, स्टेटस डाल के आपको समझाना पड़ेगा, उसके बाद अपने घर में बताना पड़ेगा पर्सनली, उसके बाद किसी लड़की का नंबर सेव है, किसी आपके पास लड़की है तो उसको भी बताना पड़ेगा कि हम ऐसे ऐसे चंगुल में फंस गए हैं, मैसेज आएगा इग्नोर कर देना, क्योंकि तुम पर जरूर मैसेज करेगा, लड़की हो, यही होता है। आ इतना दिन से हम वीडियो बना रहे हैं, हम सब जान रहे हैं इसके बारे में, 1 साल से हो गया ना वीडियो, 1 साल अभी लगने वाला है, लग जाएगा, कब लगेगा, और इस महीने के बाद सितंबर में 1 महीना हो जाएगा। कोई भी है, देखिए कोई भी है, इंजॉय कैश है, टूप मनी है, इजी मनी है, सेफ मनी है, कोई भी है, सबका किस्सा कहानी एक ही है, सब सबका मालिक एक ही बैठा है, सब कहीं ना कहीं छुप कर फ्रॉडगिरी कर रहा है सब, समझ गए मेरे बात। चलिए और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। फोन का आईपी एड्रेस वगैरह ना ना, ऐसा कुछ कुछ नहीं है, कोई करेंगे? आईपी एड्रेस नहीं, कोई गैलरी एक्सेस नहीं, कोई रिकवरी एजेंट नहीं, कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं, बस आपका केवल कॉन्टेक्ट लिस्ट और कुछ भी नहीं। वो परेशानी होते मैसेज करेगा तो इग्नोर कर देना है। बस इग्नोर कर दीजिए, सबसे सोल्यूशन है यही, इग्नोर करना है। हाँ, इग्नोर करने का क्षमता लड़कों के पास नहीं रहता है, आपको बता देना चाहते हैं, लड़की के पास सबसे ज्यादा इग्नोर करने का क्षमता रहता है, हम लोगों के पास कुछ करने का क्षमता रहता है। चलिए ठीक है अच्छा, ना। अगर कुछ परेशानी होगा तो आपको मैसेज हाँ, करेंगे। कुछ परेशानी होगी तो मैसेज कीजिएगा, ठीक है, ठीक ओके, ठीक थैंक यू भाई। ठीक है, ठीक। तो चलिए इनको बेसिक तरीके से हम इनको समझा दिए, ठीक है ना। क्या भाई यहाँ पर, इनको बेसिक तरीके से मतलब क्या, इनको समझा दिए। मैं चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर, अभी थोड़ा आया है मैसेज, थोड़ा देख लेते हैं, कैमरा कभी भी ऑफ हो सकता है, पूरा कंप्लीट आप वीडियो देखा कीजिए, एग्जाम्पल सबसे बेस्ट यही एग्जाम्पल था भाई, क्योंकि जिस टाइप का ये जमाना है। हाँ भाई बोलिए। हाँ अरे सर, आपका वीडियो मैंने देखा था हाँ सर, मैंने रिंग से लोन ले लिया, थोड़ा दिक्कत हो गया है। पर तो देखिए, रिंग एप्लीकेशन हो गया एनबीएफसी, ठीक है ना, हाँ इसका रिपेमेंट नहीं कीजिएगा तो सिविल स्कोर खराब होगा। मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज थोड़ी थोड़ी आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, बाद में करूंगा चलेगा ना? बाद में भी कि चलेगा, लेकिन नहीं है कि मतलब कि ड्यूज बढ़ा देगा तो आपको थोड़ा भारी पड़ सकता है। हाँ तो वो लेट फीस देना पड़ेगा ना? हाँ, देना पड़ेगा। आओ, कोई दिक्कत नहीं ना है ना, मैं कोई तैयार दिक्कत हूँ नहीं सर। है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है, चलिए ठीक है, सर यही जानकारी चाहिए, यही ठीक है, जानकारी चाहिए था मुझे। चलिए चलिए, ठीक है, ठीक ओके सर, ठीक चलिए भाई, इनको जानकारी मिल गई, हम इनको जानकारी दे दिए, बात खत्म, यही सॉल्यूशन है भाई, जिस टाइप का जमाना चल रहा है उस टाइप का सॉल्यूशन देना बहुत ज़्यादा स्टार्ट है, यही देना पड़ेगा सबको, तभी समझ में यहाँ पर आएगी, ठीक है। चलिए, कनेक्टिंग यहाँ पर लिख रही है लेकिन लग नहीं रहा है, पूरा कंप्लीट आप लोग वीडियो देखा कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हमको नहीं लगेगा कि आप हम लोग को हमको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करना है। हाँ हेलो, हेलो सर। हाँ हाँ हेलो, बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली वो जो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट मैसेज किया था सर। देखें, अच्छा, इजी वो तो लोन फेक है ये ना फ्रॉड सर, एप्लीकेशन है। फ्रॉड एप्लीकेशन है ना सर, हाँ और एनएबीएफसी भी नहीं है ना सर ना ना, वो। एनबीएफसी नहीं, आपको रिपेमेंट नहीं करना है। अच्छा नहीं किया सर, एक्चुअली मैं यूट्यूब पे देख के जो है वो पैसा जो मतलब हाँ लूट लिया था उससे, हाँ लूट हाँ लिया था हाँ बोले निकाल लिया था, हाँ 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 कोई हाँ दिक्कत तो नहीं है ना सर? ना ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, थैंक यू सर। मैं एक्चुअली सर आसाम से हूँ, वो आपका यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में देखता हूँ तो अच्छा लगता है, मतलब आप मतलब ये चलिए करता है वो। और ठीक है, ठीक है, बढ़िया ना सर? सब बढ़िया, सब बढ़िया, ठीक है सर, ओके ओके ठीक सर, है, ठीक ओके है, सर, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू।
चलिए सब चीज बढ़िया है। पर आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक ही नहीं मिलते किसी नेक्स्ट ऐसे वीडियो में। दोस्तों जय हिंद जय भारत।